हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास के सिविक्स का 4th चैप्टर, जो कि है हमारा पॉलिटिकल पार्टी। इस वाले चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। आज इस वाले वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले जो वीडियो में हमने टॉपिक पार्टीज के बारे में पढ़ा था, उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, एंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हाई डू वी नीड पॉलिटिक्स, कि हमें पॉलिटिकल जो पार्टीज होती है ना, उनकी जरूरत क्यों होती है, इस वाले टॉपिक को भी हम कवर कर चुके हैं। और आज हम इस वाली वीडियो में उसी से रिलेटेड आगे का जो टॉपिक है उनको करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज एन अलायंस। अलायंस क्या होता है? इस वीडियो से पहले जो हमने वीडियो की थी ना, उसमें हमने कुछ अलायंस भी पढ़े थे। मैंने उसके बारे में भी बताया था कि अलायंस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। तो चलिए उसी को हम दोबारा समझते हैं। हमने उसमें पढ़ा था पॉलिटिकल पार्टी की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। इस टॉपिक को कवर किया था और उसमें हमने मल्टी पार्टी सिस्टम के बारे में भी पढ़ा था, जिसमें वन पार्टी सिस्टम था, टू पार्टी सिस्टम था, एंड साथ ही साथ मल्टी पार्टी सिस्टम था। वन पार्टी, टू पार्टी, मल्टी पार्टी सिस्टम, इन तीनों पार्टी सिस्टम के बारे में हमने स्टडी किया था। तो इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है, क्यों? क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, तो इसकी डाइवर्सिटी, इतनी लैंग्वेज अलग, कल्चर अलग, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है इसमें कि हमें एक वन पार्टी सिस्टम या फिर सिंगल कोई भी पार्टी इस कंट्री को अच्छे से रन नहीं कर सकती। हमें डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस के जब यहाँ पर पीपल रहते हैं, तो उसी हिसाब से हमें डिफरेंट टाइप ऑफ जो पार्टीज है उनकी भी जरूरत पड़ती है। तो उसी से हमारा अलायंस बन के निकल कर आता है, जो वोट के लिए कुछ पार्टी एक साथ में आ जाए, तो वो हमारा अलायंस होता है। मान लो कोई एक पार्टी है, उसको इलेक्शन में प्रॉपर वोट नहीं मिले, तो वो अपना पार्टी का ग्रुप बना लेती है। तो वो पूरा का पूरा ग्रुप, जितने भी उस ग्रुप को वोट मिलते हैं ना, वो सारे उस सिंगल पार्टी को वोट चले जाते हैं। वो सारे वोट उस ग्रुप के एक सिंगल पार्टी को चले जाते हैं, जिस वजह से वो जो सिंगल पार्टी है उसका जो कैंडिडेट है वो जीत जाता है। कैसा? और अच्छे से इसको भी देखते हैं। देखिए, व्हेन सेवरल पार्टीज इन मल्टी पार्टी सिस्टम, देखिए जो मल्टी पार्टी सिस्टम होता है उसके अंदर जो बहुत सारी जो पार्टीज हैं वो आती हैं, सेवरल पार्टी। When several parties, बहुत सारी पार्टीज आती हैं किसके अंदर, मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर। मल्टी पार्टी से ही हमें पता चल जाता है कि इसमें बहुत सारी क्या हो, पार्टीज हो। Join hands for the purpose of contesting election and winning powers, it is called an alliance or a front। इस चीज को या फिर आप अलायंस बोल सकते हो या तो आप इसको फ्रंट बोल सकते हो। देखिए, चलो उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, ये एक क्या है, पॉलिटिकल पार्टी, इसका नाम रख देते हैं हम पार्टी ए। ये इलेक्शन में इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है, इसको इलेक्शन में जीतना है, बट इन केस इसको कुछ वोट्स नहीं मिलते हैं, ये इलेक्शन में नहीं जीत पाती है, तो जो इसकी सपोर्टिंग पार्टीज होती हैं, कौन होती है इसकी सपोर्टिंग पार्टी, पार्टी बी, पार्टी सी और पार्टी डी, ये तीनों ही क्या है, इसकी सपोर्टिंग पार्टी है, जो इसको सपोर्ट करती है। ये सारे के सारे किसके, इंडिविजुअल ये भी जीत सकती है, ऐसा नहीं है कि पार्टी इलेक्शन में जीत नहीं सकती, बट ये है इनमें सबसे ज्यादा वोट इस पार्टी को मिले, बट इतने नहीं मिले कि ये इलेक्शन में जीत जाए। वोट तो मिले हैं बट इतने नहीं मिले कि वो इलेक्शन में जीत जाए, बट इन सबसे ज्यादा मिले हैं। तो ये भी है, इसके अलावा भी और बहुत सारी पार्टी है, जैसे हो गया पार्टी ई। तो ये सब क्या करेंगे, ये सारी पार्टी मिलकर अपने वोट पार्टी ए को दे देंगे, तो इनका पूरा क्या बन जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा। जब ये सारी पार्टी एक साथ मिलकर इसको जिताती है, क्योंकि इन सारी पार्टी के वोट किसको चले गए, पार्टी ए को, तो ये बन जाता है आपका अलायंस, या फिर इसको हम फ्रंट भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अलायंस, या फिर इसको हम फ्रंट बोलते हैं, जैसा कि इसमें दिखा रखा है। पर्पज ऑफ कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन, और वो सब एक साथ ही इसलिए आती है, अपने हैंड को इसलिए ही मिलाती है, जिससे वो इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करा सके और उनकी जो पावर है वो जीत जाए। इट इज कॉल्ड एन अलायंस और अ फ्रंट।
इंडिया इन 2004, इंडिया में 2004 एंड 2009 हैड थ्री सच अलायंस फॉर पार्लियामेंट्री इलेक्शन। 2004 और 2009 में इंडिया के अंदर हमें तीन टाइप के अलायंस देखने को मिलते हैं। कहां पर? पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, जिसको एनडीए भी बोला जाता है, शॉर्ट में इसको एनडीए बोलते हैं। ये भी एक अलायंस है, एक ग्रुप है। दूसरा है द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, इसको बोला जाता है यूपीए। ठीक है, अभी आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा एनडीए की लीड पार्टी कौन सी है और यूपीए की लीड पार्टी कौन सी है, और एक है हमारा लेफ्ट फ्रंट। तो ये हमारे मेजर अलायंस है, ठीक है, एनडीए और यूपीए। नेक्स्ट है देखिए हमारा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो किस टाइप से पार्टिसिपेट करती हैं? कम पार्टी पार्टिसिपेट करती हैं, ज्यादा पार्टिसिपेट करती हैं, तो कैसे करती है? कितनी फ्रीडम है पार्टीज के पास में, या किसी भी पर्सन के पास वो इतनी फ्रीडम है कि वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है या इंडिविजुअल भी इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करा सकता है। लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन इन द एक्टिविटीज ऑफ द पार्टी इज वेरी हाई इन इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जो पार्टीज का पार्टिसिपेशन है ना, एक्टिविटीज जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, क्योंकि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के अंदर किसी को भी किसी चीज के लिए डिनाई नहीं किया जाता, तो सारी की सारी मतलब कितनी भी पार्टियां इंडिया में आ सकती हैं और अपनी गवर्नमेंट बना सकती हैं। तो जो पार्टिसिपेशन है या फिर एक्टिविटीज जो है किसकी, पॉलिटिकल पार्टीज की, वो इंडिया में कैसी है? हाई है। एडवांस कंट्रीज, जबकि जो हमारी कुछ एडवांस कंट्रीज है लाइक कैनेडा हो गए, जापान, स्पेन, साउथ कोरिया, हैव कंपैरेटिवली मच लेस एक्टिव पार्टिसिपेशन। बल्कि इन कंट्री के अंदर उतना ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी का पार्टिसिपेशन नहीं है जितना हाई हमें कहां देखने को मिलता है, जितना हाई हमें इंडिया में देखने को मिलता है। मतलब यहां लोग पार्टिसिपेट करते हैं पार्टीज के लिए, बट बहुत कम करते हैं। बट इंडिया में ऐसा लगता है हर दूसरा मेंबर पॉलिटिकल पार्टी में जा सकता है, हर एक पर्सन कुछ ना कुछ मतलब पॉलिटिक्स से ही जुड़ा हुआ है। पीपल इन इंडिया हु फील क्लोज टू अ पॉलिटिकल पार्टी बिकम मेंबर्स। जो भी इंडिया के अंदर जो भी पॉलिटिकल पार्टी के क्लोज होते हैं वो सारे के सारे क्या बन जाते हैं? पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर। जैसे मैंने अभी बोला कि इंडिया में क्या है, हर दूसरा बंदा जो होगा उसका वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का मेंबर हो गई होगा। द मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हैज ऑल्सो गॉन अप, और ये आगे आगे बढ़ती भी जा रही है चीजें। ठीक है, जैसे कि हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इंडिया में हमें कितने टाइप की पॉलिटिकल पार्टी देखने को मिलती है? इंडिया के अंदर हमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी देखने को मिलती है, और कितने टाइप की दिखते हैं चलते हैं। डेमोक्रेसी दैट फॉलो सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड टेंड टू बी हैव टू काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जो पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है, पूरे वर्ल्ड में इसको, इसका एक ट्रेंड है जो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड है। तो इसके अकॉर्डिंग दो टाइप की हमारे पास पॉलिटिकल पार्टी होती है, एक तो स्टेट और दूसरा नेशनल। देखिए स्टेट क्या होता है, मान लो ये एक कंट्री है, इस कंट्री को कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है, इसको कुछ छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रखा है, तो ये इसके क्या हो गए? स्टेट्स हो गए। क्या हो गए? ये इसके स्टेट्स हो गए। तो एक पार्टी तो वो होगी जो इनके अंदर रूल करेगी, ठीक है, पार्टी ए है, पार्टी बी, सी, या मान लो पार्टी ए ही रूल कर रही है, ठीक है, ये है पार्टी बी, ये है पार्टी डी, ठीक है, और ये है मान लो पार्टी ई। तो हर जगह ये एक स्टेट पार्टीज है जो अपनी ही कंट्री में रूल कर रही है, और जो ये ए पार्टी है ये पूरी कंट्री में भी रूल कर रही है, ठीक है, पूरी कंट्री को चलाने वाली कौन सी पार्टी है? पार्टी ए। और ये ए बी सी डी ई ये पार्टी सिर्फ रीजनल है, सिर्फ स्टेट लेवल तक ही है, ये अपने स्टेट में सिर्फ इतने एरिया में पार्टी डी रूल कर रही है और इतने एरिया में पार्टी बी रूल कर रही है। ए पार्टी एक ऐसी है जो इस स्टेट में भी रूल कर रही है और पूरी कंट्री को, पूरी कंट्री पर भी पार्टी ए का ही रूल है। तो ये हमारी पार्टी ए क्या हो गई? नेशनल पार्टी, जो स्टेट में भी रूल कर रही है और कंट्री पर भी रूल कर रही है, ठीक है। तो बट ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्टी आई और बोल रही है मुझे तो नेशनल पार्टी बनना है या स्टेट पार्टी बनना है, चलो ठीक है भाई उसको मन है तो उसको बना दो, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे। उसके लिए जो क्राइटेरिया है फुलफिल करने का पता चलेगा कि आपकी पार्टी स्टेट पार्टी बनेगी या आपकी पार्टी नेशनल पार्टी बनेगी। यानी यार मेरा तो मन कर रहा है चल
स्टेट पार्टी में ज्वाइन हो जाते हैं और खुद को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके जिता देंगे, ऐसा नहीं होता है। स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी के दो टाइप की पार्टी है डेमोक्रेसी में, और इनके साथ ही साथ इसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है जो फुलफिल करने पड़ते हैं। उससे हमें यह पता चल जाता है कि कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी बनेगी और कौन सी पार्टी स्टेट पार्टी बनेगी। इन इंडिया देयर आर बोथ नेशनल एंड स्टेट पार्टी, और इंडिया के अंदर तो ये दोनों ही है, स्टेट पार्टी भी है इंडिया में और इंडिया के अंदर नेशनल पार्टी भी है। एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन, और ये जितनी भी पार्टी है चाहे वो नेशनल पार्टी हो चाहे वो स्टेट पार्टी हो, इनको बनाता कौन है, नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी, तो इनको बनाने का काम करती है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन इनको रजिस्टर्ड करता है और वो बताता है कौन सी पार्टी स्टेट पार्टी है और कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है, और एज अ स्टेट पार्टी आपको क्या क्या स्पेशल राइट मिलेंगे, या फिर एज अ नेशनल पार्टी आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये सारी चीजें हमें कौन बताता है, जो भी क्राइटेरिया है, किसने स्टैंड किया है कि कौन सी पार्टी स्टेट बनेगी कौन सी पार्टी नेशनल बनेगी, तो ये सारा क्राइटेरिया जो फिक्स किया गया है वो किया है नेशनल पार्टी ने। किसने की है ये सारी चीजें, ये सब किया है नेशनल पार्टी ने, कि कौन सी पार्टी, सॉरी नेशनल पार्टी ने ये सब किया है इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन ही इस चीज को फिक्स करता है कि जो भी क्राइटेरिया है वो कैसे फुलफिल किया जाएगा और कौन सी पार्टी नेशनल होगी और कौन सी पार्टी स्टेट पार्टी होगी, और इन पार्टियों को अगर ये कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेती हैं तो वो नेशनल पार्टी में काउंट हो सकती हैं। तो ये सारे काम, जो जितने भी ये काम है, कौन करता है इसको, इलेक्शन कमीशन करता है, और पार्टी को भी वही रजिस्टर्ड करता है। ओके, जैसे देखिए स्टेट पार्टी, स्टेट पार्टी क्या होती है, अब जो हमने क्राइटेरिया की बात करी थी, जो क्राइटेरिया किसने फिक्स किया है, जो कि क्राइटेरिया इलेक्शन कमीशन ने फिक्स किया है, तो वो क्राइटेरिया स्टेट पार्टी के लिए, हम देखते हैं कि स्टेट पार्टी के लिए क्या क्राइटेरिया होता है। अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन द इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर कोई भी स्टेट पार्टी 6% वोट लेजिस्लेटिव असेंबली में गेन कर लेती है, कितने वोट, 6% वोट किसमें, लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर उसको मिल जाते हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में 6% वोट और साथ ही ऑफ द स्टेट, स्टेट में, एंड विन एटलीस्ट 2 सीट्स इन रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट पार्टी, और उसको 2 सीट्स मिल जाती हैं, ठीक है, 2 सीट्स मिल जाती हैं, तो वो क्या बन जाती है, एक स्टेट पार्टी बन जाती है, मतलब स्टेट में 2 सीट मिल जाना और लेजिस्लेटिव असेंबली में 6% वोट का सिक्योर हो जाना क्या है, एक एक स्टेट पार्टी बनने का सिंबल है। अगर आपको 6% वोट मिल गए लेजिस्लेटिव असेंबली में और साथ ही साथ 2% सीट मिल गई, तो क्या हो गया आपका, आप एक स्टेट पार्टी बन गए, कांग्रेस। अब स्टेट पार्टी तो हमने पढ़ लिया, अब हम नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया देखते हैं कि कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी कब बनेगी। स्टेट पार्टी को तो लेजिस्लेटिव असेंबली में मिल जाए कितने परसेंट वोट, 6% वोट और 2 सीट इन अफेयर्स के लिए उसके स्टेट में, वो एक नेशनल पार्टी बन गई। बट क्या उतना ही इजी नेशनल पार्टी के लिए भी होगा, नेशनल पार्टी के लिए थोड़ा सा टिपिकल है। अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन द लोकसभा, लोकसभा इलेक्शन में, जो भी लोकसभा इलेक्शन होते हैं, मान लो लोकसभा इलेक्शन में उसको कितने परसेंट वोट चाहिए, 6%, अगर लोकसभा इलेक्शन में उसको 6% वोट मिल जाते हैं और जो असेंबली है उसमें 4 सीट मिल जाती है, ठीक है, असेंबली में 4 सीट मिल जाए या लोकसभा इलेक्शन में 6% वोट मिल जाए, तो वो पार्टी क्या हो गई, नेशनल पार्टी। विंस एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा इज रिकॉग्नाइज एज अ नेशनल पार्टी, या तो आपको देखो 4 सीट मिल जाए 6% वोट लोकसभा इलेक्शन में और 4 सीट लेजिस्लेटिव असेंबली में मिल जाए, तो आप क्या बन गए, नेशनल पार्टी। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता तो 4 स्टेट्स में, ठीक है, कितने, 4 स्टेट्स में आपकी गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स, जो लेजिस्लेटिव असेंबली में है, मतलब या तो आपको 4 सीट्स मिल जाए, या तो आपको 4 सीट मिल जाए, ठीक है, या फिर 6% वोट आ जाए, वहां पर 2 सीट चाहिए थी, यहाँ पर कितनी है,
चार सीट मिल जाए और 6% वोट मिल जाए, या फिर चार स्टेट में आपकी गवर्नमेंट आ जाए, पूरे कंट्री में नहीं भी आती, मेजोरिटी नहीं भी आती, नो इश्यू, अगर आप चार स्टेट में भी आपकी गवर्नमेंट आ जाती है ना, तो आप नेशनल पार्टी बन गए। या तो आप पूरे कंट्री में 6% वोट लिया, लोकसभा इलेक्शन में 6% वोट आ गए, चार सीट आ गई, तो आपकी नेशनल पार्टी। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाते हो तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप चार स्टेट में आपकी गवर्नमेंट आ जाए, ठीक है, स्टेट बोला यूनियन टेरिटरी नहीं, ठीक है, चार स्टेट में अगर आपकी गवर्नमेंट आ जाती है, वैसे तो यूनियन टेरिटरी भी उसी में काउंट हो जाता है, अगर आप चार स्टेट में आपकी गवर्नमेंट आ जाती है तो खुश हो जाओ, आपकी पार्टी एक नेशनल पार्टी बन जाएगी। ओके, तो ये कुछ क्राइटेरिया थे जो हमें नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी बनाने के लिए हेल्पफुल है। जो ये क्राइटेरिया किसने फिक्स करे, ये दोनों ही क्राइटेरिया इलेक्शन कमीशन ने फिक्स करे हैं कि कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी कैसे बनेगी और कोई भी पार्टी स्टेट पार्टी कैसे बनेगी। ओके, ठीक है, नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी कैसे बननी है, तो ये क्राइटेरिया फिक्स हो गया। इसके आगे का जो टॉपिक है ना, अब नेशनल पार्टी के बारे में हम पढ़ेंगे कि आगे नेशनल पार्टी जो होती है वो कैसे वर्क करती है, एंड देन उसके बाद में हम स्टेट पार्टी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।